अवरुए मुशायरा मेहमान खुसूसी मोहतरम सलीम खान साहेब, जियाउद्दीन खान साहेब और कन्वीनर मुशायरा मोहतरम अंजर कमाल साहेब अबरार खुसूसी साहेब, तमाम दीगर मुअज्जज शख्सियत डाइस पे तशरीफ फरमा है। मैं सबके नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ और वक्त की कैद भी है कि 15 से 16 मिनट का वक्त मेरे हिस्से में है। मैं बहुत ज्यादा लंबी तमहीद बांधकर अपनी आबरू खतरे में नहीं डालना चाहता। सीधे सीधे एक मतला उठाता हूँ और देखता हूँ कि आप कहाँ तक सुन सकते हैं मुझको और मैं कहाँ तक आपको सुना सकता हूँ। एक बार बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। मतला पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि वो रहमत और दिगर जो मेहमान बैठे हुए सभी की तवज्जो चाहता हूँ, पेश करता हूँ, सुनिएगा। वो रहमत की फुहारों में खजूरों की कतारों में, वो रहमत की फुहारों में, साहब और मुंशी रशीद साहब की नजर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। नाज़िम भाई, ये नाज़िम साहब जनाब है कि कहीं ताहा कहीं यासीन, कहीं ताहा कहीं यासीन, कहीं लिखा है मौसम मिले, कहीं ताहा धीरे धीरे मैं अपने रंग में आ जाऊंगा। आइए 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 कि अबू बकरों उमर फारूक के उस्मानों अली हैदर, बोल लीजिए एक बार मचल के सुभान अल्लाह। अबू बकरों उमर फारूक के उस्मानों अली हैदर, मिलती है चारों में
خیر البشر شاہد بتاؤ محترم بتاؤ جی بطور خاص ملاحظہ فرمائے صفت اللہ کے محبوب کی ملتی ہے چاروں میں آپ کا اپنا اشارہ ہے اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس میں چار چاند لگا دیجئے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کریں گے انشاءاللہ شاعر کو حوصلہ بھی مل جائے گا اور آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا رہے گا بول دیجئے ایک بار مچل کے سبحان اللہ پکاروں میں کبھی دیکھا نہیں ایسا نظارہ آسمان پہلے بھائی توجہ چاہوں گا دیکھیے گا اس سرے انجمن جگمگاتے رہیں گے قبل کی طرح مسکراتے رہیں گے گنگا جب کی تہذیب کی مثال کیا بات ہے بے شک ہمیں کوئی ہندو کہے یا مسلمان ہم انسان کے کام آتے رہیں گے بطور خاص ملاحظہ فرمائے میں کبھی چرچا ہے ستاروں میں توجہ چاہتا ہوں یہ آخری شعر بہت قیمتی ہے جو فیروز بھائی کی نظر کرتا ہوں بطور خاص مزاروں میں میاں بھائی تو دے نہیں کریں گے بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ندی تشریف لائے ہو گئے آتش کدے ٹھنڈے بات کریں کہ ٹھکانا تم انہیں آتنگ کیوں کو مت کہو آمیر مقتے پہ ایک شخص کی توجہ چاہتا ہوں اگر لگے کہ شاعری ہو گئی ہے تو اس طالب علم کو اپنی دعاؤں سے نواز دیجئے گا تقریباً 12 سال سے اردو ادب سے جڑا ہوں آج تک سیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے دنیا سے بھی رخصت ہو جاؤں گا پیش کرتا ہوں سنیے گا کہ ٹھکانا تم نہیں آتنگ کیوں کامت کہو والے داروں
अल्लाह सुभान अल्लाह अपना मुशारा है अगर इसे जी बहुत शुक्रिया की तरफ से ये है अल्लाह इन्हें जजाया खैर दे। पेश करता हूँ सुनिएगा ये इफ्तिखार अहमद और गुड्डू कबाड़ी भाई के देखिए माशाल्लाह मैं नबी वाले दारों में मक्का पे पेश कर दो फिर पेश करता हूँ सुनिएगा कि ठिकाना तुम उन्हें आतन यो का मत कहो आमिर और पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए अबरार भाई देखिएगा कि उसी के कब्र से कुदरत में हर खजाना है उसी के कब्र से उसी के कब्र से कुदरत में हर खजाना है उसी के कब्र से सजाया जिसे के लिए सजाया जिसे के लिए रब ने आसमान और जमीन सजाया जिसे के लिए सजाया जिसे मैसेज है जो मैं नई नस्ल तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर किसी एक नौजवान के दिल में मेरा ये शेर उतर गया तो मैं समझूंगा कि मेरी शायरी मकबूल हो गई। पेश करता हूं सुनिएगा कि लहद में रोशनी फूटेगी उसके चेहरे से लहद में रोशनी उसके जगह
शेर पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों की ताई चाहूंगा। बतौर खास मुनाज़ा फरमाए, अदा जो करेता नमाज़ों को पंज गाना है। आखिरी शेर बतौर खास समाप्त कर ले, किथी कैसी उम्मत से उल्फत की बातें आखिर भी, माशा।